तो आज है छोटी दिवाली और यहाँ भी देखिए हमारे बच्चे क्या काम में लगे हैं। ये आरती क्या हो रहा है, आरती क्या हो रहा है? दिया को पेंट हो रहा है। हाँ, दिया को पेंट हो रहा है। दिया दिखाओ, कहाँ है दिया? कहाँ है ये देखो। नहीं, जो सिंपल दिया है, यहाँ पे सिंपल दिया है और इसको ये पेंट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये तीनों काम में लगे। ये देखिए, यहाँ देखिए पेंट करके, ये देखिए इस तरह से सजा रहे हैं यहाँ पे और बैठे हैं। अभी तीनों बैठे हैं यहाँ पे। टाइम क्या है? टाइम लगभग 7:30 हो रहे हैं यहाँ पे। और आज छोटी दिवाली है तो खाना बन चुका है, उसके बाद ये पेंट करने के लिए, कल बड़ी दिवाली है तो उसके लिए पेंट कर रहे हैं कि हम कल दिवाली के लिए ये दिए जलाएंगे। और यहाँ देखिए कैंडल्स लग चुकी है बाहर, ये देखिए दरवाजे के बाहर पूरी कैंडल्स लग चुकी है। यहाँ पे ये आस्था काम है सारा, पूजा हो चुकी है। अभी टाइम लगभग 7 से ज़्यादा ही हो चुका है। और यहाँ वाली बालकनी दिखाऊँ मैं आपको बाहर, तो यहाँ पे ये देखिए सुंदर सी डेकोरेशन की है। ये लाइट लगाई है यहाँ पे और कैंडल्स भी लगाई है। अभी काफ़ी टाइम हो गया वैसे कैंडल्स। और यहाँ देखिए पूरा शिमला कितना सुंदर सा लग रहा है, पूरा व्यू काफ़ी पूरा दुल्हन की तरह सज चुका है पूरा शिमला। और आज तो फिर भी छोटी दिवाली है तो कल तो इससे भी ज़्यादा। और अभी कर रहे हैं ये, कल अब क्रैकर्स नहीं जलाते ना, बड़े हो गए हैं तो बोलते कि नहीं हम इको फ्रेंडली ही क्रैकर्स नहीं जलाते हैं, इको फ्रेंडली दिवाली मनाएंगे। क्योंकि अभी तक ये लोग आराध्य ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं नहीं मनाता। ये देखिए यहाँ बैठा हुआ, ऐसा भी बैठे हैं नीचे। अभी कपड़े मैं कपड़े फोल्ड करने में लगी हूँ, खाना बन चुका है और ये तीनों लगे हैं यहाँ पे कि हम अभी दिए को पेंट करेंगे। ये देखिए इन्होंने ये काम लगा के रखा हुआ है और तीनों बैठे हैं यहाँ पे। खाना अभी खाया नहीं है। अभी हम विशाल गए थे, विशाल से सामान लाया तो वो भी यहीं पे रखा हुआ है। थोड़ा सा हमने शॉपिंग की आज तो अभी वहाँ से सामान लेके आए, थके थे बुरी तरह से, आके बस ये काम किया, कपड़े धोए थे वो फोल्ड करके रख रही हूँ और बस अभी खाना खाएंगे। खाना आज हमने दाल चावल और स्वीट्स वगैरह तो बहुत सारी है जो लेके आए हैं, सिर्फ दाल चावल। तो चुप हो जा। ये देखिए ये आराध्य, ये देखिए कैसे पेंट कर रहा है, इतना खुश हुआ है कि हम पेंट कर रहे हैं यहाँ पे। इन्होंने पूरा जितनी भी सफाई करो ना उतना ये गंदगी डाल देते हैं वैसे ही। तो बस अभी कल की तैयारी कर रहे हैं और कर लेते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अब बड़ी दिवाली में। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आज है दिवाली तो हैप्पी दिवाली सबको ही। हम थोड़ा शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं क्योंकि सामान वगैरह थोड़ी लेने के लिए। हैप्पी दिवाली गाइस। ये देखिए आस्था पीछे चल रही है और अभी जा रहे हैं थोड़ा सामान लेने के लिए क्योंकि आराध्य के एक्चुअली क्रैकर्स तो हो गए थे लेकिन इसके पास फुलझड़ी कम हो गई तो इसने बोला कि मुझे फुलझड़ी लेनी है। और होली के कलर भी, हम एक्चुअली कल शॉपिंग तो कल भी की थी लेकिन कल बहुत ज़्यादा सामान था जो हमारे पास जगह ही नहीं थी लाने के लिए। तो फिर अभी जा रहे हैं, दिन के बज चुके हैं 1 और अभी फटाफट जाएंगे मार्केट, थोड़ा सा सामान लेंगे, सांस चढ़िए क्योंकि चढ़ाई चढ़ के आना पड़ता है नीचे से। ये देखिए साथ में चल रही है तो अभी सामान लेके आएंगे, देखते हैं मार्केट में थोड़ा सा लेंगे। जो वैसे तो हमने सारी शॉपिंग कर ली थी लेकिन थोड़ा बहुत रहा है अभी तो वो लेके आते हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ, ये देखिए आ जाते हैं आगे, तो चल रहे हैं अभी। हर कुछ अच्छा होता है, सुंदर है ना। हाँ, पर ये एक होता है ना, दूसरों को जुगा चुके रहे, मतलब मैं होता तो होता भाई A1 है। हेलो, स्वागत आला नहीं है। कैसे हो? हेलो, कैसे हो? आज तो दिन हैप्पी दिवाली। आप शॉपिंग करने आए? अरे इसके पटाखे खरीदे। अच्छा अच्छा ठीक है जी, ये देख लेता हूं। ये लगा दिया
ये मेरे पास ना बैग बेटा। हाँ होली है। फिर कौन सी चाहिए तुझे? हाँ ये चाहिए, ये चाहिए। ये कैसे दिया? 10 का है। हाँ तो ले ले। हाँ फिर तुझे क्या? एक ले, ये दो टू ले ले। हाँ ये भी ले ले, एक टू। तीन तीन छः दो आठ, आठ हो गए। पकड़। कैसे दे रही है? 20 के 12। हाँ जी 20 के 12। कॉलीफ्लावर अच्छे से लग रही है। ओ देख यहाँ है वो ना। कैसे दिए पैकेट? छोटे वाले ले दे दो। तो अभी हम पहुंच चुके हैं घर पे और शॉपिंग करके भी आ चुके हैं। यहाँ देखिए इन्होंने अभी ढेर लगा के रखा है नीचे। बहुत सारी चीजें इन्होंने ला के रखी है यहाँ पे। कलर ज्यादा है और कुछ नहीं है, बस कलर ही कलर ज्यादा है यहाँ पे। ये हमारा मंदिर है, यहाँ पे थोड़ी सी डेकोरेशन, ये आस्था काम है, आस्था ने किया हुआ है। और यहाँ पे देखिए ये वाला, ये देखिए कलर ही कलर है सारे। अभी ये रंगोली बनाना स्टार्ट करेंगे और हम पहुंच चुके हैं अभी घर। मैं किचन संभालूंगी और ये रंगोली बनाएंगे और जो भी डेकोरेशन का सामान लाया है बहुत कुछ लाए हुए हैं। अभी पूरा हौच पोच अभी आके देख रहे हैं, तो अभी जल्दी जल्दी गए थे, बस आ गए हैं। टाइम लगभग 3 बज चुके हैं और आते घूम रहे हैं अंदर। इसकी कोई चीज़ गुम हो चुकी है? क्या गुम हुआ तेरे? क्या गुम हुआ है? रो क्यों रहा है? क्या हुआ? भूलिए कुछ लेना? क्या भूला? क्या भूला लेना? पैसे गिर गए? फिर क्या मिला? अब पता नहीं क्या भूल गया ये लेने के लिए। हमें तो सब कुछ पता, क्या भूल गया हुआ ये लेने के लिए। अच्छा चुप हो जा, अब इस करो ना। अलमीरा पापा खुली है। मुर्गा छाप तो ले लिए, मुर्गा छाप लिए ले लिए, फुलझड़ी ले ली। क्या लेनी थी तूने फिर? और क्या लेना था बोल? पता नहीं अब इसने दिमाग खराब रखा। अभी तो पहुंच रहे हैं क्या लेके, सब कुछ वहां पूछा क्या लेना है तो वो तब नहीं बताया, लेकिन अब यहाँ पे आके मुंह बना रहा है। तो बस अभी मैं स्टार्ट करते हैं पिठा वगैरह, क्या 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 सामान लेके आए हैं अभी देखते हैं। तो चलिए फिर बच्चे देखिए, ये देखिए यहाँ पे पूरा बाजार खोल के रखा हुआ है, पूरा सामान देखे जा रहे हैं। तो ये देखिए, ये बना रही हूँ मैं गुलाब जामुन। और इसका बैटर तो वैसे भी मेरे को मार्केट से मिल जाता है इजीली, और इसको मैंने थोड़ा सा डो बना लिया था इसका, और उसके बाद इसको तल के और चाशनी बनाई और चाशनी में डाल दिया। तो ये देखिए पूरी चाशनी जो ये मतलब सोख रहा है पूरी चाशनी, और काफ़ी फूल के बड़े बड़े हो जाते हैं। तो आज की दिवाली के स्वीट्स में मैं बना रही हूँ गुलाब जामुन, क्योंकि बच्चे बहुत पसंद करते हैं। तो बस मैंने इसीलिए गुलाब जामुन बनाए और भी स्वीट्स लेके आए हैं, लेकिन हाँ बच्चे बोलते हैं कि फ्रेश है तो हम यही खाएंगे। और साथ ही मैं ये देखिए ये बैटर भी तैयार हो चुका है बेसन का, और मैं बना रही हूँ पकौड़ी। तो पनीर भी है और आलू है, प्याज है, इस तरह से गोल कट के करके रखे हैं मैंने। तो ये बना रही हूँ साथ में, बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं इसको खाना भी, सॉस के साथ या हरी चटनी के साथ। और तेल गर्म हो चुका है और
बस पकौड़ी बन रही। तो साथ ही में देखो दोबारा मैं दिखा रही हूँ आपको, ये फुलके और भी बड़े हो गए हैं और काफ़ी यम्मी बने थे, टेस्टी बने थे। तो बस अब बैटर हमारा तैयार हो गया। इसमें डाल दिया मैंने हरा धनिया पूरा, इसमें बेसन है और नमक मिर्च वगैरह जो भी आपका मसाला होता है वो डाला है। और इस तरह से इसको डिप करना है, इसके अंदर जो हमारे पीसेस है आलू हो प्याज हो उस तरह से इसको डिप करना है और पूरी तरह से कोटिंग करनी है इसकी और तेल में फटाफट तल देने हैं। मैं थोड़ी सी वीडियो बना पाई क्योंकि काम भी बहुत ज़्यादा था, तो बस ये ज़्यादा ये कर रही थी और साथ में बर्तन भी धो रही थी, तो बीच में पकौड़े भी बना रही थी। तो इस तरह से ये बनते हैं और काफ़ी यम्मी होते हैं और टेस्टी क्रिस्पी क्रिस्पी बनते हैं ना, तो बहुत अच्छे लगते हैं। ये नया स्टाइल है कुछ, मतलब हटके और पकौड़े की तरह जैसे कट करके बनाते हैं, लेकिन ये वाले बहुत यम्मी लगते हैं। तो बस ये देखिए इस तरह से बना लिए हैं और लगभग तैयार भी हो चुके हैं। ये देखिए क्रिस्पी है, चिप्स की तरह बनते हैं। इसके जो अंदर आलू है और प्याज है, प्याज वैसे ज़्यादा पसंद नहीं करते बच्चे, लेकिन हाँ आलू के और पनीर के बहुत ज़्यादा इनको यम्मी लगते हैं। तो हमारे पकौड़े भी हो चुकी है तैयार। तो बस अभी हूँ किचन में और लगभग खाना बना के फ्री हो चुकी हूँ, पकौड़े बना रही हूँ, साथ में गुलाब जामुन में पूरा यहाँ चाशनी के अंदर डिप करके रखे हैं। ये देखिए पतीला ही निकाल दिया मैंने पूरा, इसके अंदर मैंने डिप करके रखे हैं अभी चाशनी में। गुलाब जामुन बन चुके हैं और यहाँ पे आलू प्याज और साथ ही में पनीर, क्लियर नहीं आ रहा है तो यहाँ पे अब ज़्यादा क्लियर आया। तो यहाँ पे देखिए पनीर दोबारा से दिखाती हूँ और यहाँ पे आलू और प्याज, ये इस तरह से कट किया है मैंने, इस तरह से आलू कट किया है चिप्स की तरह, क्या राइस बच गए, तो ये मैंने इस तरह से कट किया है। तो ये मैंने काट के रखे हैं, यहाँ पे बना रही हूँ कढ़ाई में और कुछ बन ही चुके हैं। ये देखो इस तरह से कोटिंग करते हैं इसकी और इस तरह से ये बनता है। ये कोटिंग करके ये रखा हुआ मैंने इसका बैटर बना के। तो बस अभी ये बना रही हूँ, दाल मैंने बना दी है, चावल भी बन चुके हैं और मीठे में गुलाब जामुन भी बन चुके हैं और साथ में पकौड़े बना रही हूँ। आस्था लगी है कब से लेकर रंगोली बनाने में। ये देखिए यहाँ पे रंगोली बन भी चुकी है, ये देखिए तो भर रही हूँ बस, ये बन चुकी है रंगोली और यहाँ पे अभी डेकोरेशन भी हो चुकी है फिलहाल। ये देखिए इस तरह से यहाँ पे पूरा बाहर में, बाहर बालकनी में लाइट लग चुकी है और यहाँ पे बन चुकी है रंगोली, ये बन चुकी है रंगोली और यहाँ पे भी बाहर वाली बालकनी में, ये पोछे वाला पानी नहीं गिराया हुआ है ना, बाहर भी बालकनी में इसने रंगोली बनाई है। और यहाँ देखिए पूरा संजौली दिख रहा है यहाँ से, ये देखिए पूरा सजा हुआ है यहाँ से, मतलब अभी इस टाइम मोबाइल में इतने इस तरह से कैप्चर नहीं होता, ऐसा लग रहा है कि दुल्हन की तरह सजा है पूरा संजौली, शिमला नहीं संजौली यहाँ पे, और बहुत अच्छा सा लग रहा है सारा यहाँ पे। ये भी आस्था ने यहाँ पे शुभ दीपावली और ये यहाँ पे रंगोली और ये पाँव, ये पूरा बना दिया है और यहाँ पे लगी है लाइट। तो इस तरह से हो चुकी है हमारे, नहीं अच्छी बनी है, तो इस तरह से हमारी डेकोरेशन हो चुकी है और अभी दिए जलाने, अभी दिए प्लेटों में लगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए इतना सुंदर सा मंदिर सजा है, लाइट लगी है इसके अंदर और यहाँ पर दिए इन्होंने जो कल पेंट कर रहे थे ये दिए पेंट करके रखे। ओए मत करो, मैंने बोला मेरे साफ चाहिए भाई, बोलते मेरी गलती, तो ये पेंट करके दी। और वैसे भी आज तो आराध्य ने बहुत ज़्यादा नोटी करता है, ये आज भी नोटी कर रहा था। और ये है जो पेंट नहीं किए हुए हैं, बिना पेंट किए हुए सारा सामान है, अभी लगाएंगे, अभी पूजा करेंगे हम। और यहाँ पे देखिए आरोही बैठी है नीचे, जो पूरे कलर जिसमें किए हुए थे, ये पकौड़ी तो नहीं जल गई, तो पूरे जो कलर किए थे उसको डाल रही है पैकेट के अंदर। और मेरा काम तो किचन में ही है, मैं लगी हूँ किचन में अभी, बस लास्ट काम रह गया भाई ये पकौड़ी बनाने का, उसके बाद हो गया मेरा काम किचन का भी कंप्लीट। उसके बाद करेंगे हम पूजा, अभी दिए लगाएंगे, ऐसा तुम दिए जलाना पहले बाहर है ना, बस फिर दिए करेंगे पूजा के साथ, हाँ तभी। तो बस अभी बर्तन भी धो रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, साथ में ये कंप्लीट हो जाए फिर उसके बाद। आस्था ये निकालना जरूरी है बेटा आज।
बस रख दे परिवार के लिए मुश्किल है और क्या। हाँ पापा छोड़ दे अनार वगैरह नहीं चलाना। अनार चलाना अनार ले जा रहा हूँ मैं। अनार नहीं अनार नहीं अनार फिर बाहर तरफ को जाओ उस साइड बने बाहर इधर से नजदीक ला दो। मम्मा अब आप पकड़ने की चीज जाना है बहुत छोटी हो गई है ये मेरे पे मैग्नेट है ना इसके लिए छोटी नहीं होगी ये टेंटी कर रही है हमारे खासी कर रही है हमारी इधर आ जाए था इधर आ बना पहले तो अब हमारी पूजा हो गई। ये देखिए ये देखिए मेरा बच्चा ये देखिए ये है और ये हो चुकी है सबसे बड़ी ये हमसे सबसे बड़ी बड़ी लगती है। सच में यार जो बड़े वाली वो छोटी लगती है और जो छोटे वाली वो बड़ी लगती है बल्कि ये 5 साल छोटी है इससे लेकिन फिर भी ये बड़ी लगती है। तो ये है दोनों और आराध्य जा चुका है बाहर क्योंकि वो कर रहा है अपने पापा के साथ अभी मस्ती क्रैकर वो फोड़ रहे हैं। यहाँ पूरा बैग उसने लेके रखा हुआ है तो वो क्रैकर फोड़ रहा है हम नहीं क्रैकर फोड़ते तो बस अभी हमने पूजा कर ली है। स्वीट्स है पकौड़े भी बन चुके हैं सब कुछ है और यहाँ पे दिए भी लग चुके हैं। तो हैप्पी दिवाली आप सभी को भी दिवाली की बहुत 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 शुभकामनाएं। इको फ्रेंडली दिवाली बनाई है और मैं बोल रही हूँ इको फ्रेंडली और आज बाहर क्रैकर जला रहे तो बोल रही हाँ इको फ्रेंडली हो गई तो चलो आप क्या बोल सकते हैं किसी को और को नहीं बोल सकते लेकिन खुद अभी आराध्य छोटा है इस वजह से हमको उसके लिए क्रैकर्स लेने पड़े क्योंकि वो मान नहीं रहा था थोड़े बहुत लिए हमने ज़्यादा नहीं लिए। बेटियाँ तो अब चलाती नहीं क्योंकि वो बड़ी हो चुकी है और सबसे ज़्यादा है कि सेफ दिवाली मनाई है किसी को हार्म नहीं होना चाहिए चोट नहीं लगनी चाहिए बस वो सबसे ज़्यादा मेन होता है। फोटोज कहाँ दिखा रही है फोटोज इसमें दिखा रही है तो बस अभी ये देखिए बाहर से आ रहे हैं अभी क्रैकर्स फोड़ के आ रहा है यहाँ पे और ये देखिए अब तो धीरे धीरे करके और भी सुंदर लग रहा है पूरा सज चुका है। क्या है दिया हाँ इसमें दिया दिखा रही है फोटो दिखा रही है तो बस अभी पूरा सज चुका है। और सच में बोलते हैं कि आज अमावस्या की रात होती है ना जब अंधेरा होता है तो रोशनी से पूरा उजाला किया जाता है तो पूरा उजाला हुआ है यहाँ पे। और नागिन आज मंडे है अमावस्या है आज और यहाँ देखिए यहाँ से भी इतना सुंदर सा व्यू आ रहा है बाहर पूरा इतना सुंदर लग रहा है सारा सजा क्या हो गया चोट लगी तो बताइएगा। तो हमारी दिवाली इस तरह से अभी हम बच्चों ने वैसे भूख तो नहीं है पकौड़ी खा ली भी है मिठाई भी खा ली है तो अभी खाना खाएंगे गुलाब जामुन मांग रहे हैं। तो चलिए आप सभी को भी दीपावली की बहुत 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 शुभकामनाएं सबके जीवन में दीपावली खुशियाँ लेके आए और सारे गम जैसे ये अंधेरा छट गया है ना वैसे सारे दुख और गम
छट जाए। तो बस ये देखिए इतना सुंदर सा नज़ारा हो रहा है यहाँ पे। तो चलिए अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे रेस्ट क्योंकि पूरा दिन से लगे हैं, अभी रेस्ट करेंगे। और आस्था और बच्चे तो कब से लेकर लगे हुए थे, मेरे पास मत फोड़ यार, मुझे डर लगता है। तो चलिए हैप्पी दिवाली।